खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और तारीख है 28 मार्च। 31 मार्च बिल्कुल नज़दीक है, क्लोजिंग का समय आ गया है, जिसके चलते सरसों के बाजार में आज हल्का सा दबाव दिखाई दिया है, जैसा कि कल हमने आपसे निवेदन किया था। और कॉटन बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोबारा आपका खेत खजाना में स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हम शुरुआत सरसों से। सरसों बाजार में आज हल्की सी गिरावट दिखाई दी है। जैसे भरतपुर का बाजार कल 18 रुपये तेज हुआ था, आज 18 रुपये डाउन चला गया है और भाव 6800 रुपये पर रह गया है। जयपुर में कल थोड़ी बहुत तेजी आई थी, वो वापिस हो गई है, बाजार 7200 रुपये पर कायम है। इसके साथ साथ हाजिर मंडियों में 100 से 50 रुपये का मंदा देखा जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी गिरावट है वो है प्लांट के भाव में। सलोनी प्लांट का भाव आज 150 रुपये तक डाउन हुआ है। 7700 से कारोबार शुरू हुआ था, 7600 पर आकर रुक गया है, यानी 100 रुपये की तेजी, सॉरी डाउन है, मंदा है। हालांकि ये परसों यानी शनिवार को 7800 पर कारोबार कर रहा था, कल 7700 भाव इसका रह गया और आज फिर 100 रुपये डाउन हो गया, 7600 पर काम हो रहा है। तो ये जो गिरावट है, इसके पीछे कारण केवल और केवल जो दिखाई देता है वो एक ही है कि इस समय एक तो 31 मार्च की क्लोजिंग है, इससे कारोबार में थोड़ी सी रुकावट आती है। इन दिनों के अंदर कामकाज की तरफ ध्यान कम होता है और जो बही खाते, बैंक का लेन देन, ये वो सब कुछ समेटने में, साल भर का लेखा जोखा तैयार करना होता है, इसमें समय जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा दबाव है। हालांकि आज जो आवकें हो रही हैं देश भर की मंडियों में, आज 9.25 लाख बोरी की आवक है, जो पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी कम है। ऐसा अनुमान था, ऐसा अंदाज़ा था कि होली के बाद आवकों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन होली के बाद तो आवकों में घटोतरी हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब आवकें शायद और कम होंगी थोड़े बहुत दिनों में, क्योंकि किसानों ने अब देख लिया है कि भाव में तेजी का प्रभाव है और भाव और अच्छा आ सकता है, इसलिए किसान भी अपनी फसल मंडियों में लाने से जल्दबाजी नहीं दिखाएगा और धीरे धीरे करके ही वो फसल की तरफ, फसल को बेचने की तरफ आएगा जब उसे बाजार का भाव पसंद आएगा। इस कारण से बाजार थोड़ा सा एक बार उठा पटक दिखा सकता है, थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, न तो बड़ी मंदी आने की संभावना दिखाई दे रही है और न ही बड़ी तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी अप्रैल का जो महीना है वो लगभग आवकों का महीना रहता है और इस अप्रैल के महीने में कोई बड़ा फेरबदल, कोई ऐसा बड़ा चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। रूस यूक्रेन का विवाद अभी तक चर्चा ही चर्चा है कि कोई शांति की वार्ता हो रही है, शांति की वार्ता से कुछ निकल के नहीं आ रहा है। लगता नहीं है कि बहुत जल्दी इसमें शांति की स्थापना हो जाएगी। कल एक सज्जन का बदायूं से फ़ोन आया कि इस तरह से अगर युद्ध रुकता है और शांति की स्थापना होती है तो सूरजमुखी के तेल की तेल का आयात बढ़ जाएगा और एकदम से बाजार पर प्रेशर आएगा। मैंने सिर्फ उनसे एक ही सवाल किया था कि क्या सूरजमुखी का तेल वहाँ से बटन दबाने से चल पड़ेगा, और बटन दबाते जैसे नल में पानी आना शुरू हो जाता है, क्या वैसे तेल आना शुरू हो जाएगा, क्या यूक्रेन के किसानों को अभी उस नुकसान से उबरने में समय नहीं लगेगा, क्या नई फसल की बिजाई करने के लिए जो इस समय सीजन है उसका, सूरजमुखी की बिजाई का अब सीजन आने वाला है, अप्रैल से बिजाई शुरू होती है, तो उसके लिए उनको क्या वो खेतों में उर्वरक भूमि उपलब्ध होगी जिसमें वो बिजाई करेंगे, क्या वहाँ बारूद नहीं भरा पड़ा है, क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा युद्ध की स्थिति समाप्त होते ही। ऐसा नहीं है। आज भी अगर, मैंने इस बात को कई बार जिक्र किया है कि आज भी अगर युद्ध समाप्त होता है तो भी कम से कम 3 महीने के बाद थोड़ा बहुत तेल वापसी आने की, सूरजमुखी का तेल आने की संभावना बनती है, और तब तक बाजार के, हमारे घरेलू बाजार में जो तेल की उपलब्धता होगी वो और सीमित होती चली जाएगी, क्योंकि खपत निरंतर बढ़ रही है। इसलिए किसी भी खाद्य तेल पे बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, सरसों में गिरावट की संभावना नहीं है, मूंगफली के तेल में, राइस ब्रान में और सूरजमुखी के तेल में अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। ये था सरसों और खाद्य तेलों का बाजार। कपास की बात करें तो कपास आज भी अच्छी तेजी पर है, आवकें हमारी देश भर की मंडियों में 37,000 गांठों पर सिमट रही है,
इसलिए अब आने वाले दिनों के अंदर कॉटन बाजार के अंदर अभी भी और तेजी की गुंजाइश बची हुई है। रुई का जो बाजार है वो 90,000 से ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं रुई 95,000 रुपये तक भी दिखाई दे रही है। और रुई का जो कारोबार बढ़ रहा है उससे जो कॉटन का यानी जो कच्चा कपास है, नरमा कपास जिसे हम बोलते हैं, उसके भाव में भी बहुत अच्छी तेजी आ रही है। और इसके साथ साथ जो खल और बिनौला का जो बाजार है उसमें भी एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी आने वाले कुछ ही दिनों में। तो कुल मिलाकर के कॉटन कॉम्प्लेक्स का जो बाजार है वो आगे आगे तेजी की तरफ ही रहने वाला है। एक जिक्र रह गया बीच में खाद्य तेलों में, बिनोला का तेल भी बहुत अच्छी तेजी पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिनोला की उपलब्धता भी कम है और बिनोला में इस बार तेल की मात्रा भी कम है। तो कुल मिलाकर के बिनोला का तेल और दूसरे खाद्य तेलों में अभी कोई मंदा आने की संभावना नहीं है, क्योंकि बिनोला का तेल जितना उपलब्ध होगा सारा का सारा गुजरात की तरफ चला जाएगा, मूंगफली का तेल जितना उपलब्ध होगा सारा का सारा साउथ चला जाएगा, क्योंकि वहाँ सूरजमुखी के तेल की खपत होती है, यहाँ बिनोला के तेल की खपत होती है। इसलिए अभी तक किसी तरह से किसी भी बाजार में, कॉटन कॉम्प्लेक्स में, सरसों के बाजार में, सोयाबीन के बाजार में सोयाबीन के बारे में कई बार पूछा जाता है कि सोयाबीन में भी अभी तक कोई मंदे की संभावना नहीं है। कम से कम आगामी एक महीने तक सोयाबीन में कोई कमजोरी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके सोयाबीन की भी 1,60,000 बोरी के आसपास रह गई है और नई फसल की बिजाई जुलाई में होगी, अक्टूबर में नई फसल आएगी। बहुत लंबा समय है, कैसी बिजाई होती है, कैसी फसल आती है, अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां हैं वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सोयाबीन की जो फसल है वो काफ़ी कमज़ोर है। और इससे पहले कि जिक्र करें जौ का और गेहूं का, तो पूछा है कई साथियों ने जौ के बारे में, जौ में बहुत अच्छी तेज़ी बनने वाली है कुछ ही दिनों में। अब ये कहाँ, ये छोटे छोटे सवाल बीच में क्रॉस होते हैं कि कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाने का अंदाज़ा किसी के पास नहीं होता है। कोई अपनी सटीक विश्लेषण से भी, सटीक से सटीक साथ से भी इतना विश्लेषण नहीं कर सकता कि वो आपको एग्जैक्ट भाव बता सके ये भाव जाएगा, लेकिन आप यकीन मान के चलिए कि जौ के अंदर और गेहूं के अंदर इस बार एक ऐतिहासिक तेजी बनने जा रही है, एक नए भाव बनने जा रहे हैं। जिस तरह से नरमा कपास नए भाव बना रहा है, इस तरह से गेहूं और जौ में भी नए भाव बन रहे हैं। और हो सकता है आपका लोकप्रिय जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है सरसों, और सरसों भी इस बार नए भाव बना सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों का आज सलोनी 7600 पर कारोबार कर रहा है, भरतपुर 6801, जयपुर 7200, कोटा 6800, बीकानेर 6500, निवाई 6900, हापुड़ 6700, गंगानगर 6600, हिसार 6600, बूंदी 6800, मोरेना 6650, टोंक 7225, केकड़ी 6800, अलवर 7000, रायसिंह नगर 6800, खैरथल मंडी 6900, सुमेरपुर 6950, गंगापुर 6850, बरवाला 6900, आदमपुर 6561, सिरसा 6700, नोहर 6700, गोलूवाड़ा 6772 और मुरैना मंडी, दोबारा बता रहा हूँ, 6650 से 6700 रुपये। नरमा आज गोलूवाला में बिका है 12400 रुपये, अबोहर मंडी में 12225 रुपये, सिरसा में 11680 रुपये, हनुमानगढ़ में 12020 रुपये, रायसिंह नगर में 12050 रुपये, मोड़ मंडी में 10600 रुपये, आदमपुर मंडी में 11595 रुपये, प्रबनी मंडी में 12500 रुपये, गुजरात में 11500 रुपये। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।